उपसभापति जी, विदेश नीति के बारे में हमारे मित्रों ने जो कुछ अभी कहा उसमें एक हिस्सा बिल्कुल स्पष्टता मैं कहना चाहता हूँ। मंत्री जी को मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा कि उन्होंने अपने मंत्रालय को सुचारू रूप से चलाया है, लेकिन जहाँ तक नीति का मामला है मैं समझता हूँ कि आज धीरे धीरे हम ऐसी स्थिति में पहुँच गए हैं जब अगर तुलना की जाए तो आज से 30 साल पहले हिंदुस्तान जब आज़ाद नहीं था तभी दुनिया में हिंदुस्तान की जो तस्वीर थी, हिंदुस्तान के नेताओं की, चाहे महात्मा गांधी जी हों चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, उनके बारे में संसार में जो इज्जत थी, मैं नहीं समझता कि जिस ढंग से हमने अपनी विदेश नीति को चलाया है उससे आज वह स्थिति बरकरार रही। मैं इस चीज़ को भी कबूल करता हूँ कि सारी बातें चंद सालों में नहीं हो जाती। यह हकीकत है कि देश के बंटवारे से जो स्थिति पैदा हुई, आज कोई मेरे जैसा आदमी कहे कि देश के बंटवारे की स्थिति को कबूल करना एक बड़ी भूल हुई है तो इसमें दो राय नहीं हो सकती। इसी तरह इतिहास की अगर मिसाल देनी है तो मैं यह कहूँ कि 1950 में जब नेपाल में वहाँ के लोगों ने हिंदुस्तान की मदद चाही और कहा कि वहाँ के लोग हिंदुस्तान का हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं तो उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। इस हकीकत को मानने से इनकार करने पर जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, या मैं नहीं कहता, लेकिन जब लोग तुलना करेंगे देश की विदेश नीति की कि हमने क्या हासिल किया तो हमारे मन में ये सारी बातें ज़रूर रहेंगी। हम समझते हैं कि जैसे अभी कहा गया कि निरस्त्रीकरण 10 या 15 साल की देन नहीं है, बल्कि जब से हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी तभी से हम कह रहे थे कि दुनिया भर के लोगों की आज़ादी के हम समर्थक हैं। यह जो इतिहास की परंपरा हम लोगों की रही, आज़ादी की लड़ाई के वक्त की देन रही, उसकी अगर आज से तुलना करें तो मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि हम लोग बहुत नाकामयाब रहे हैं। इसीलिए आज खतरनाक स्थिति का दौर इतना बढ़ गया है कि ना जाने कब जंग छिड़ सकती है। अगर इसमें हमने कमजोरी दिखाई तो देश एक बड़ी खतरनाक स्थिति में आ जाएगा। श्रीमान विदेश नीति के हम लोगों के उस समय क्या उद्देश्य थे और आज क्या हैं, इसके बारे में हमारी नीति, हमारी दृष्टि साफ होनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी विदेश नीति में ही गड़बड़ी है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम इस खतरनाक दौर को समझें और अगर हमको देश में युद्ध का वातावरण नहीं बनाना है और उससे देश को बचाना है तो हम पाकिस्तान के बारे में क्या सही अनुमान लगा सकते हैं, इस पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और उसकी हथियार की ताकत में कोई असंतुलन है। पाकिस्तान को हथियारों से लैस करने की जो अमेरिका की नीति है
उससे हमें सावधान रहना चाहिए। दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे दुश्मनों की निगाहें हमारी ओर बढ़ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो विदेश मंत्री चीन के आ रहे हैं, उनके आने से हमारी सीमा संबंधी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन हमें कम से कम इस बात का ख्याल रखना होगा कि चीन के साथ अच्छा रिश्ता रखना है तो उसका कुछ सबूत उनको देना ही होगा। महोदय, मैं खास करके इस बात की ओर गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि पुलिस के अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। यह बिहार शरीफ का ही मामला नहीं है, बिहार में हुआ है, पटना में जो पुलिस का अत्याचार हुआ है उसमें हकीकत अभी सामने आई है कि हॉस्टल में से एक लड़के को नीचे फेंक दिया और उसकी मौत हो गई। बदमाशों को गिरफ्तार करो या तो समझ में आता है, लेकिन उसको गिरफ्तार करने के बाद गोली से उड़ा दो, इसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। श्रीमान, आंध्र प्रदेश में पुलिस के द्वारा जो गोली आदिवासियों पर चली उसमें कई लोग मारे गए और कई घायल हुए। मैं उन हालात की तरफ आपके जरिए और इस सदन के जरिए सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आदिवासियों पर जुल्म न सिर्फ उस तारीख से बल्कि कई सालों से एक संगठित तरीके से हो रहे हैं, और पहले से जो आदिवासी उन इलाकों में बसे हुए हैं वे ना सिर्फ गरीब हैं वरन वहाँ कई वर्षों से रहते आए हैं, कई जमाने से वे वहाँ पर काश्त करते आए हैं। कुछ समय बाद यह हुआ कि जो गैर आदिवासी हैं वे उनको तंग करने लगे और उनकी ज़मीनों को छीनने लगे। इस पर आदिवासियों ने इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और इसके बाद उनकी रक्षा करने के लिए एक कानून भी सरकार ने बनाया। इस कानून के तहत आदिवासियों की ज़मीनों को किसी भी हालत में गैर आदिवासियों को नहीं बेचा जा सकता है। इस कानून को अमल में लाने के लिए एक अधिनियम बनाया गया, लेकिन उसको कभी लागू नहीं किया गया, जिसके कारण उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकी। नतीजा यह हुआ कि आज भी ऐसे हजारों केसेज अदालतों में पड़े हुए हैं। इससे निपटने के लिए उन्होंने अपना एक संगठन बनाया और उनकी रक्षा के लिए जो कानून बना हुआ था उसको लागू करवाने पर जोर दिया और उनसे जो ज़मीनें छीनी गई थीं उनको वापस लेने के लिए संघर्ष छेड़ा। इसके लिए उन्होंने एक आम सभा की, लेकिन गैर आदिवासी लोगों ने पुलिस की मदद से उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। जिस समय यह कब्जा किया गया उस समय आदिवासी लोग आम सभा में गए हुए थे। जब वे वापस लौटे तो उनको बेरहमी से पुलिस ने पीटना शुरू कर दिया। वहाँ पर धारा 144 लगाई, जिसके बारे में उनको पता भी नहीं था। जब वे हटने के लिए तैयार नहीं हुए तो उन पर गोलियां चलाईं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उनमें से 25 लोग मारे गए और करीब 200 घायल हुए। इस गोलीकांड में 14 औरतों और 6 बच्चों की भी जाने गई हैं। यह बहुत ही अफसोसनाक घटना है जिसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। आज तक
उनके घर वालों को पता भी नहीं है कि जो लोग गोली कांड में मारे गए उनको कहाँ जलाया गया। उनकी लाशें उनके घर वालों या रिश्तेदारों को भी नहीं दी गई। मैं चाहता हूँ कि आदिवासियों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा की जाए और उनके लिए जो कानून सरकार ने बनाए हैं उनका पालन किया जाए। उनकी जो भी ज़मीनें छीनी गई हैं उनको वापस लौटाया जाए। उन ज़मीनों पर उन्हें बसाया जाए जो कि गैर आदिवासी लोगों के कब्जे में चली गई हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि वह राज्य सरकार को हिदायत दे कि वह आदिवासियों की सुरक्षा करे।